आदिवासी दिवस हर साल मनाया जाता है, सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में। और विश्व आदिवासी दिवस का तैयारी तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तमाम अखाड़ा चौक चौराहे पे राज्य सरकार भी कर रहे हैं अपने कार्यक्रम, और विभिन्न संगठन के भी द्वारा किया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस नाचने गाने वाला चीज़ नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश नहीं, पूरे विदेश में अपने हक अधिकार, आदिवासियों का जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित हो, उनको अधिकार कैसे मिले, उनका रोजी रोजगार कैसे बढ़े, वो चीज़ को लेकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। संविधान में जो अधिकार मिला है उस अधिकार के बारे सरकार को जन जागरण अभियान पूरे पंचायत में चलाना चाहिए, पूरे राज्य में चलाना चाहिए, और आदिवासी समाज को जागरूक करने चाहिए अपने हक अधिकार के लिए। आज विश्व आदिवासी दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, मगर हर चीज़ में आज के युवा हो या सामाजिक संगठन हो, सभी के द्वारा कार्यक्रम का रूपरेखा चेंज कर दिया गया है। कहीं पर नुक्कड़ सभा, कहीं पर डांस, कहीं पर रंगारंग कार्यक्रम, कहीं पर ढोल नगाड़े के थाप से झूमते हुए नज़र आएंगे कल हमारे समाज के लोग। मगर हम समाज के हर अगुआगण से और अपने आदिवासी समाज से आग्रह करते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस को आप डांस के रूप में ना देखें, अपने हक अधिकार के लड़ाई के रूप में देखें, और एकजुट हो, और राज्य नहीं केंद्र सरकार तक को हिलाने का ताकत है विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से। अपने हक अधिकार को हम लोग कैसे ले सकें, यही शुभकामना के साथ तमाम झारखंडवासी, देशवासी, विश्ववासियों को हार्दिक शुभकामना है विश्व आदिवासी दिवस की। मेरा नाम हुआ सूरज टोपो, सरना सदान मूलवासी मंच के अध्यक्ष।